नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन 10 महत्वपूर्ण मुद्दों की, उन 10 महत्वपूर्ण समस्याओं की जिनसे हम आपके बारे में कल बात कर रहे थे। उन्हीं में से कुछ 5 टॉपिकों को हमने आपसे डिस्कस कर लिया था, जिनमें थे धारा 370, धारा 35A और आदि कई POK के मुद्दे हम आपसे चर्चा कर चुके थे। कश्मीरों के पंडितों के मुद्दे की भी हमने चर्चा की थी। उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपसे कुछ अन्य मुद्दों की चर्चा करेंगे जिनसे प्रभावित रहा है कश्मीर, और वह है महत्वपूर्ण कश्मीर की समस्या। जैसे कि आज हम आपसे बात करेंगे कि क्या है बलूचिस्तान का इशू और क्यों राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन में बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर, और फिर हम आपसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ सिंधु नदी के समझौते और नेशनल इंटीग्रेशन में क्या क्या समस्याएं हैं उन सब के बारे में भी प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी छात्र प्लस कोर्सेज को सब्सक्राइब करना चाहते हो वह कर सकते हैं। यहाँ पर आपके टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और समस्त विषयों के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज भी। और जो इसकी फीस है वह सालाना है 2900 रुपये प्रति माह, और ऐसे टोटल फीस आपकी हो जाती है 35,000 रुपये, जिसमें अगर आप 10% का डिस्काउंट लेना चाहेंगे तो SS Live को लिखेंगे और SS Live लिखते ही सब्सक्राइब कर देंगे तो आप 31,500 में ही हमसे सालाना जुड़ सकते हैं। और हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं, जैसे GS का कोर्स चल रहा है, इसी के साथ साथ हमारे साइंस एंड टेक और इकोनॉमी वाले कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो इन्हें सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये तो सारी बातें हो गई हमारे कोर्सेज की। अब हम आते हैं हमारे पहले मुद्दे पर, या फिर यूं कहें कि 6th मुद्दे पर, क्योंकि पहले 5 मुद्दे हम डिस्कस कर चुके हैं, और यह मुद्दा है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैं सिर्फ UPSC एस्पिरेंट्स को ही नहीं, समस्त नागरिकों को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 2 महत्वपूर्ण लाइनें हैं, 2 ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हमेशा घुसपैठ की और युद्ध की संभावनाएं रहती हैं। एक तो है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC, और एक है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल तो पाकिस्तान के समीप का बॉर्डर है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के समीप का बॉर्डर है। तो हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारा जो युद्ध हुआ था चीन से वो 1962 में हुआ था, और इस साइनो इंडिया युद्ध के दौरान अनाधिकृत रूप से चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, और यह लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन थी हमारी, उस पर अपना कब्जा कर लिया। और इस ऑक्यूपाइड जमीन को, जो कि 1962 की वॉर में चाइना ने कब्जा किया था, आज तक नहीं लौटाया है, और इसको कहा जाता है अक्साई चीन माना जाता है इसको। और इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अपनी लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन गिफ्ट कर दी थी चाइना को। तो ये सीधा सीधा सा संदेश था कि चाइना को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और वह उसके 1962 के युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा खुश था। अब पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि चाइना मानता है कि अरुणाचल प्रदेश के पास जो अरुणाचल प्रदेश है वह इसके तिब्बत क्षेत्र में आता है। चाइना ऐसा कहता है कि वह हमारा साउथ तिब्बत है, और वहाँ पर दलाई लामा और इन सब का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है, और उसी के दम पर वह तिब्बत पर अपना पूरा प्रभुत्व जमाना चाहता था। इसीलिए वह चाहता था कि आप हमें अरुणाचल प्रदेश का पार्ट दे दीजिए, पर इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया। तो फिर 1962 के वॉर के तहत इन्होंने हमसे अक्साई चीन छीन लिया। तो इसकी जो बॉर्डर बनी उसी को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर अभी भी बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं और जहां पर अभी भी युद्ध की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो यह है आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो आपके कश्मीर, जम्मू कश्मीर के एरिया से ही गुजरता है, और इसीलिए जम्मू कश्मीर की एक और समस्या है, एक और ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट बन गए हैं पूरे कश्मीर में जिसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हम आपसे बात कर ही चुके हैं, और यहाँ पर है आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, पर चाइना इसको
और आगे बढ़ाना चाहता है, वो मैकमोहन लाइन को मानना ही नहीं चाहता, तो ये सारा मुद्दा है आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। अब आगे जो अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है वह आपका सिंधु घाटी सभ्यता से निकली सिंधु नदी समझौते का। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि 1960 में यह समझौता हुआ था, जब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और वहाँ पे अयूब खान की सरकार थी, तब 1960 में यह समझौता हुआ था। और इस समझौते में कहा गया था कि जो पूर्वी नदियां हैं, जो सिंधु नदी की पूर्वी नदियां हैं, जैसे कि आपके रावी है और भी आपकी तीन और अन्य अन्य नदियां हैं, जैसे कि आपके उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूं पूर्वी नदियों का पैसा, जो भी पानी होगा वो दिया जाएगा इंडिया को, और जो वेस्टर्न नदियां होंगी उनका पूरा का पूरा पानी दिया जाएगा पाकिस्तान को। तो जो पूर्वी नदियां हैं आपकी, इसमें आती है रावी, व्यास और सतलज, ये तीन नदियों का पानी तो मिलना चाहिए पूरा का पूरा इंडिया को। और जो पश्चिमी नदियां हैं जिनमें आपके खुद आती है सिंधु और आती है आपके झेलम, चेनाब, ये सारी नदियां क्या होंगी, इसका पानी दिया जाएगा पाकिस्तान को। यह हुआ था सिंधु घाटी में सिंधु नदी पर समझौता 1960 में हुआ था, और इसके लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाई गई थी जो इसके समझौते पर विचार करती है, कोई परेशानी आती है तो उसे देखती है। तो यह था पूरा सिंधु घाटी सभ्यता पर। जैसे ही पुलवामा अटैक हुआ सरकार ने कहा कि इसमें हम पानी पर अब रोक लगाएंगे, क्योंकि पुलवामा जैसी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसी सिंधु सभ्यता में बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं, जैसे कि बहुत सारे विवाद हैं, आपके किशनगंगा डैम प्रोजेक्ट का विवाद है, रेटल डैम प्रोजेक्ट का विवाद है, बागलियर डैम प्रोजेक्ट का विवाद है, ऐसे ही तुलबुल प्रोजेक्ट का भी अपना ही एक विवाद है, ऐसे बहुत सारे विवाद आपके सिंधु सभ्यता वाली इस सिंधु समझौते से जुड़े हुए हैं। तो अगले मुद्दे की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि मेनली जम्मू कश्मीर में तीन बड़े बड़े रीजन हैं। एक तो है आपका लद्दाख, एक है आपका कश्मीर वैली वाला रीजन, और एक है जम्मू रीजन। इन तीनों की अपनी अलग अलग राजनीतिक समीकरण है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि पूरा जो जम्मू कश्मीर है, इस पूरे जम्मू कश्मीर में आपके पास टोटल 87 सीटें होती हैं, इनकी विधानसभा में है टोटल 87 सीटें। अब इन सीटों में क्या होता है कि आपके अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों चुने जाते हैं, और तीन मुख्य रीजन हमने आपको बता दिए, एक तो है आपका जम्मू रीजन, और दूसरा है कश्मीर वैली वाला रीजन, कश्मीर घाटी वाला रीजन, और तीसरा है आपका लद्दाख वाला रीजन। तो इन तीनों से क्षेत्रों से जब हम MLAs जो आते हैं, जो पॉलिटिकल समीकरण बनता है, राजनीतिक समीकरण बनता है, उसमें हम देखते हैं कि आपके 46 मेंबर्स तो आते हैं सीधे के सीधे जम्मू से, और वहीं जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर से आपके 27 MLAs आते हैं। यह तो हो गई कश्मीर की और जम्मू की बात, परंतु हमें यह देखकर 37 मेंबर्स आपके कश्मीर से आते हैं, और मात्र 4 मेंबर ही हैं जो लद्दाख से आते हैं। अब देखिए लद्दाख सबसे बड़ा एरिया है पूरे के पूरे, लगभग 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और उसमें से मात्र 4 मेंबर होते हैं MLA, और जबकि आपके सबसे ज़्यादा होते हैं जम्मू से और फिर है कश्मीर से। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे रीजन में कितने ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है और कितने बड़े रीजन में कितना कम रिप्रेजेंटेशन है। इसके अपने अपने अलग अलग कहानियां हैं कि जम्मू में अलग प्रकार की जातियों का बाहुल्य है, कश्मीरी में कश्मीरी पंडितों का युग्म है, और इसी प्रकार से इनके पॉलिटिकल विभिन्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी और अलग प्रकार की समस्या है, और इसी राजनीतिक समीकरण के वजह से ही बहुत सारे दंगे होते रहते हैं वहाँ पर, कई बार पत्थरबाजी होती है, पैलेट गन्स का यूज़ करना पड़ता है फोर्सेस को, और ऐसे कई समस्याएं हमेशा इस असामयिक बिल्कुल अनसमझ वाले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से होता है। अब यहाँ पर UT बन गई है तो निश्चित ही बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। अगली जो समस्या है आपके कश्मीर की, वह बहुत फेमस समस्या है, और वो समस्या है आपके बालूचिस्तान का इशू क्या है। बालूचिस्तान के इशू को हम समझाने के लिए आपको कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा या सबसे बड़ा एरिया है आपका
बलूचिस्तान, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना बड़ा एरिया है बलूचिस्तान, जो कि पूर्णतः नेग्लेक्ट किया हुआ माना जाता है। यहाँ पर कोई विकास नहीं है, पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ एरिया है, और उसके पीछे सबसे बड़ा समस्या है पाकिस्तान की सरकार। और जब 1947 के आसपास स्वतंत्रता प्राप्ति मिल रही थी, तब के कुछ ऐसे समीकरण हैं जिससे इस एरिया को बिल्कुल ही नकार दिया गया। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान का 43% एरिया इस क्षेत्र से आता है, और फिर भी यहाँ पर कोई भी विकास नहीं है। इनको अभी तक पिछड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एथनिक समीकरण हैं। यहाँ पर आपके बालूच ट्राइब पाई जाती है, पश्तून ट्राइब पाई जाती है, और बहुत सारे ऐसे इस्लामिस्ट ग्रुप हैं जो यहाँ के विकास के लिए बहुत बड़े अवरोधक बन चुके हैं। यह पूर्ण तरीके से राजनीतिक तौर पर आइसोलेशन में रहते हैं, आर्थिक तौर पर आइसोलेशन पर रहते हैं, इनका कल्चरल भी इतना इम्पैक्ट नहीं है, और कल्चरल आइसोलेशन को भी ये लोग फेस कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बलूचिस्तान के इशू को उठाया था, इस रीजन के लोगों का सपोर्ट किया था, जिसके यहाँ के लोगों ने भी बहुत हर्ष के साथ सराहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने उनकी समस्याओं को समझा है। क्योंकि हम पाकिस्तान के सामने रखना चाहते थे कि अब जब तुम्हारे 43% के एरिया के इतने बड़े रीजन का विकास नहीं कर पा रहे, और कहते हो कि कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे, कश्मीर को ले लेंगे, पहले जो एरिया तुम्हारे पास है पहले उसका तो विकास कर लो, फिर हमसे बात करना। यही सारे मुद्दे उठाए थे हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने। अगला जो इशू है आपका, उसके बारे में तो पूरा देश परिचित है कि यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। जम्मू कश्मीर में विभिन्न अलगाववादी ग्रुप पनप रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ यहाँ पर पनप चुकी हैं, और यह जो पूरा का पूरा क्षेत्र है आतंकवाद से तो इतना ज़्यादा ग्रसित है कि जिसे समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत हर घर में ऐसा माना जाता है कि किसी पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते, आतंकवादी कहीं से भी कोई भी हो सकता है। तो इन्हीं कारणों से जो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है उसका राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो पाया, नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, और वह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, राजनीतिक और यहाँ तक कि सांस्कृतिक रूप से भी हमारा जम्मू कश्मीर पिछड़ा हुआ है। पर अब जम्मू कश्मीर में सरकार ने धारा 370 को ख़त्म कर दिया है, और जम्मू कश्मीर भी अब एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, जिसमें हमने दो यूटीज बनाई हैं, एक बनाई है जम्मू कश्मीर और दूसरी है लद्दाख। तो इस प्रकार से निसंदेह ही अब भविष्य में जम्मू कश्मीर के भी अच्छे दिन आने वाले हैं, और जम्मू कश्मीर में भी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास बहुत जोरों शोरों से होगा। तो इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ में मैं आप सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि यह सूचना ना सिर्फ सिविल सेवकों के लिए बल्कि अन्य सभी आम नागरिकों के लिए भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक भारतीय जागरूक नागरिक को इन 10 मुद्दों के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे देश की बात है। इसीलिए आप सभी से मैं जय हिंद कहना चाहूँगा और आपसे विदा लेता हूँ।